हैप्पी न्यू ईयर जी. अरे थैंक यू सेम टू यू जी. अरे अरे आपको ही बधाइयाँ हो यार. अरे फॉरवर्डेड मैसेज भेज दो. थैंक यू जी थैंक यू. नया साल मुबारक हो. तो आज का पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया होगा. चलो जी अब शुरू करते हैं फिर. तो फैज लुधियानवी साहब का एक शेर है कि तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई. तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई. हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और नए साल में मैंने एक चीज सोची थी काफ़ी लंबे वक्त से कि शुरू करनी है और आज फाइनली हम उसे शुरू कर रहे हैं. असल में क्या था कि बचपन में ना एक आदत थी मेरी, मैं डायरी लिखा करता था. उसमें पूरे दिन का हाल लिखा करता था, बताया करता था कि आज क्या हुआ क्या किया. फिर कुछ दिनों बाद वो डायरी कहीं खो जाती थी या कभी मेरा मन नहीं करता था या कभी कोई चीज़ उस डायरी से मुझे दूर कर देती थी. अब वो बचपन का शौक बचपन में ही रह गया था, पर इस साल मैंने सोचा था कि साल 2023 से मैं अपनी डायरी शुरू करूँगा. तो अब ये पन्ना शुरू हो रहा है, देखते हैं कैसा कहाँ तक जाता है. तो आज हम बात करने वाले हैं नए साल की गलतफहमियों के बारे में. तो मेरे अंदर नए साल की बहुत सी गलतफहमियाँ थी और शायद आज भी हैं. मम्मी कहती थी कि नए साल के दिन आप जो करते हो ना वो आपके साथ साल भर होता है. पहले उस बात पे यकीन नहीं होता था, लेकिन मम्मी का डर उस टाइम पे इतना ज़्यादा हावी था कि हमको यकीन करना पड़ता था. तो मम्मी कहती थी चलो उड़ो 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 उड़ो, आज नया साल है इतनी देर तक नहीं सोते. अब सुबह उठते हुए ना थोड़ा आलस आता है. मम्मी 5 मिनट सोने दे, 5 मिनट. अच्छा आज पिटाई खानी है मेरे हाथों? तो हम चुपचाप उठ जाते थे क्योंकि डर ये रहता था कि अगर आज मम्मी के हाथों पिट गए तो साल भर पिटेंगे. तो उठने के बाद आलस है, थोड़ा टहल रहे, चलो चलो नहा लो अब कुछ नहीं. मम्मी इतनी जल्दी? हाँ हाँ सुबह जल्दी नहाओ, साल भर नहाना होगा. तो मम्मी गर्म पानी रख देती थी, पहाड़ों में बहुत ठंड होती थी तो नहाने का मन नहीं होता था रोज, पर ठीक है नए साल के दिन नहा लो. चलो नहाने के लिए जाते थे. उसके बाद मम्मी कहे किताब पढ़ो. यार ये क्या बात हुई, कोई नाइंसाफी है ना ये. तो चलो किताब खोलते थे, एक दो पन्ने पलटाते थे, फिर ऐसी नींद आती थी हमें, मतलब मत पूछिए. मम्मी को पता चल जाए तो दोबारा से डांट पड़े वहाँ पर. तो कुल मिलाकर नए साल की ऐसी यादें हमारी. अभी नया साल जब शुरू होता था तो हम क्लास में जब जाते थे तो डेट लिखते हैं ना बच्चे, तो हम पिछले साल की डेट डाल देते थे कई बार. ओह 2000 इतना, फिर उसके बाद पता चला अरे 2008 आ गया यार, 2007 की डेट लिखी है, 2009 आ गया, 2010 आ गया. तो इस तरीके से तो नए साल की यादें थी. और एक कमाल चीज़ मुझे ये लगती थी कि अच्छा हुआ जो नए साल के दिन हमारा स्कूल निकलता था. क्यों? इसलिए क्योंकि साल भर एक तो स्कूल नहीं जाना था, दूसरा हमारे ना स्कूल में पिटाई बहुत होती थी हमारी, तो तब मास्टर लोग रील नहीं देखते थे ना, वो बच्चे देखते थे. और उन बच्चों की क्या होती थी? कुटाई, जी भर के कुटाई. मैं तो सबसे ज़्यादा पिटा हूँ अपने स्कूल में. तो माँ साहब कहते थे छड़ी लेकर आओ अपने लिए और ऐसी लेकर के आना कि वो टूटे ना, अगर टूट गई ना तो मैं दोबारा मारूंगा. अब मैं डर की वजह से जाता था और काफ़ी मोटी छड़ी लेकर आता, फिर उसके बाद कुटाई खाओ हाथ में, कभी हाँ मार खाई, इतनी मार खाई है ना हमने. और मम्मी पापा को कोई मतलब नहीं. आजकल तो मैं देखता हूँ हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अरे अरे बच्चा चोट तो नहीं लग गई तुम्हें, बिल्कुल ऐसे केयर करते हैं ना कि उसको हाँ ऐसे मत खेलो. हमारे टाइम पे कभी सर में चोट लग रही है, हाथों में चोट लग रही, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस वक्त पे लोग व्यस्त हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में. आजकल क्या है कि लोग इंटरनेट में घुसे हुए हैं, मोबाइल में, चारों तरफ अब ऑनलाइन वाली दुनिया हो गई है ना. तो हमारे टाइम पे तो लड़ाई झगड़े भी होते थे, गपशप भी होती थी, तो वो ऑफलाइन ही होती थी, पिटाई भी होती थी ऑफलाइन होती थी. तो मुझे लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो अलग अलग सदियाँ हैं, एक सदी इंटरनेट के पहले वाली, एक इंटरनेट के बाद वाली. हालांकि हमारा सामंजस्य दोनों से बैठा हुआ है, हम यहाँ भी आज दिन रात इंटरनेट पर अपना टाइम खपा रहे हैं, तो हम वो भी हैं जिन्होंने बिना इंटरनेट के भी वक्त बिताया. एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कभी इंटरनेट ना मिले तो तुम क्या करोगे? पूरे दिन कितनी बार फोन निकालते हो तुम? कितना टाइम आप रील में वेस्ट करते हो? कितनी बार सोचते हो कि अरे यार यार मोबाइल को इतना ज़्यादा नहीं देखना है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और डायरी का जब अगला पन्ना आएगा तो उस पन्ने में हम बात करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली दुनिया में. आप नए साल में क्या इन गलतफहमियों को मानते थे जो मैंने आपको बताई? क्या आपके वहाँ भी नए साल में ऐसा ही कुछ होता था? मुझे ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाबों का.
बाकी अपना ख्याल रखो, अभी अभी पास आ जाओ, एक वर्चुअली झप्पी देते हैं एक दूसरे को, टाइट वाली। तो उम्मीद है ये जो नया डायरी का पन्ना चला है वो ऐसे ही चलता रहेगा, आप प्यार देते रहेंगे। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। लव यू सो मच मेरी जान।